जी कतला ऑन ठीक बा। चलो तो देखो भैया, हम भी कई बार नोट पटांग नहीं लेकर के जाते हैं, ऐसी चीज जिस पर यकीन ही ना हो। ऐसा हो सकता है कि 50,000 कहीं एक बार डालकर छोड़ दो और 7 करोड़ रुपए बन जाए। सर हल्का फुल्का बात नहीं कर रहा मैं, 7 करोड़ 50,000 रुपए, और वो भी SBI की कोई स्कीम हो। SBI का मतलब भरोसा, सबसे ज्यादा लोगों का भरोसा SBI पर ही होता है। तो चलो देखते हैं, ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? अजीब लग रहा है सुनने में, लेकिन हो सकता है कि नहीं सकता है, देखते हैं। SBI के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर आज के सेशन में हम बात करेंगे सर। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन SBI का जो सेविंग अकाउंट पे अगर आप पैसा रखते हो तो उससे 10 गुना ज्यादा रिटर्न ये दे सकता है। सर किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में पैसा लगाओ उससे 7 गुना ज्यादा रिटर्न ये स्कीम दे सकता है। सर किसी भी FD में पैसा रखो उससे लगभग 5 गुना ज्यादा रिटर्न ये दे सकता है। सर किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ उससे 3 गुना ज्यादा रिटर्न ये दे सकता है। और 44% एनुअल इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं सर। आज मजाक है क्या, 44% पगला गया, ऐसा होता थोड़ी है, देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। अच्छा जरूरी नहीं है कि 50,000 ही डालना है, हो सकता है आपका आपका कैपिटल 10,000 रुपए का हो। तो 10,000 अगर एक बार डाल के छोड़ दिए कितना बन सकता है, उसका भी कैलकुलेशन पर बात करेंगे। 25,000 रुपए एक बार डाल के छोड़ दिए कितना बन सकता है, 50,000 1,00,000 डाल करके छोड़ दिए तो कितना बन सकता है। 50,000 पर हालांकि 7 करोड़ की हमने बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी इन अमाउंट्स पर कितना बन सकता है वो भी बात करेंगे। देखो सर क्यों SBI की बात कर रहा हूं आज मैं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, SBI वालों ने कोई मुझे पैसे नहीं दिए, इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है, मुझे लगा आपको जानना चाहिए। जिन फंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ उसका थोड़ा सा आपके बारे आपको जानना चाहिए, तो मैंने सोचा इस पर बात करते हैं। सर सबसे बड़ा नाम है बैंकिंग सेक्टर में, इससे बड़ा नाम नहीं है भारत में। सर सबसे बड़ा नाम क्रेडिट कार्ड्स में, क्रेडिट कार्ड्स में भी SBI से बड़ा कोई नाम नहीं है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि AUM में भी SBI से बड़ा कोई नाम नहीं है। जितना फंड, जितना सबसे बड़ा फंड SBI मैनेज करती है सर, दूसरा कोई भी नहीं है भारत में। इसीलिए मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है सर इंडियंस का, ठीक है। अच्छा ये जो फंड की हम बात कर रहे हैं, ये फंड भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है। तो म्यूचुअल फंड क्यों, क्या, थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ। मुझे एक बात बताओ सर, क्या एक मिडिल क्लास का आदमी जो 10-20-50,000 रुपए लाख रुपए कमाता है, 15 से 20 साल का शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस रखने वाले बंदे को क्या हायर कर सकता है अपने पैसे को मैनेज करने के लिए? समझिएगा मेरी बात को, मैंने क्या कहा, अपने पैसे को मैनेज करने के लिए हम कितना भी कमा रहे हैं 50,000, 1,00,000, 10,000, 20,000, क्या एक ऐसे बंदे को हायर कर सकते हैं जो 15 से 20 साल का तजुर्बा रखता हो शेयर मार्केट में पैसे को मैनेज करने के लिए? सर इतना मोटा सैलरी लेगा वो, अपना ही 1,00,000 अपना 50,000 है, वो 10 लाख 20 लाख कितना ले पता नहीं, उसको हायर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहूं एक ऐसा तरीका है, इनको आप हायर कर सकते हो बिना पैसा दिए, एक छोटा सा अमाउंट दे करके इनको आप हायर कर सकते हो। इन जैसे एक नहीं सर, इन जैसे ग्रुप्स को आप हायर कर सकते हो, ऐसे बड़े बड़े लोग 10-10, 20-20 लोग हायर कर सकते हो जो कि आपके पैसे को मैनेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा फंड होना चाहिए, वो 10,000 रुपए भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 500 रुपया भी हो सकता है, उसको भी मैनेज करेंगे इतने बड़े बड़े लोग। सर यही होता है म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट। म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या होता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या है, ये लोग जो हाईली एक्सपीरियंस लोग हैं, ये आपके पैसे को मैनेज करते हैं, और ये जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं उनको कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फंड मैनेजमेंट कंपनी, उसी को कहते हैं म्यूचुअल फंड वाली कंपनी, ठीक है सर। तो इसलिए ये पिक्चर में आती है। अच्छा एक गरीब आदमी अपने पैसे को बैंक में रखता है नॉर्मल तौर पर, FD, LIC या किसी सरकारी स्कीम, PPF, इन सब में रखता है। लेकिन आपने सोचा है कोई अमीर आदमी अपने पैसे को FD या LIC PPF में इन्वेस्ट करता होगा क्या? सर वो स्टॉक मार्केट में करते हैं, ये बात तो सबको पता है, शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा रिटर्न बन सकता है, ये सब वहां करते हैं। लेकिन एक आम आदमी के लिए दिक्कत है कि शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो क्या करे? सर उसके लिए ये फंड मैनेजर्स, ये फंड मैनेजमेंट वाली कंपनी आपके लिए रास्ता बन के आती है। कैसे, अभी समझाता हूं डिटेल में। सर पैसे का एक रूल समझो सर, मैं कहता हूं कि पैसे को काम पे लगाना जरूरी है, पैसे को कंपाउंड करना जरूरी है, लेकिन कहां सबसे अच्छा काम कर सकता है पैसा, कहां सबसे तेजी से कंपाउंड हो सकता है पैसा? सर वहां जहां अमीर लोग करते हैं, जहां अमीर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहां अगर हम अपना पैसा भी डालते हैं तो सबसे तेजी से कंपाउंड हो सकता है। अमीर है ना वो, उनके पास ज्यादा दिमाग है, उनके पास लोग हैं, उनके पास एक्सपर्ट है, हम सीधा वहीं चलते हैं ना, है ना, ये पैसे का रूल है। सवाल ये आता है म्यूचुअल फंड सेव है क्या? अभी आपको इस सवाल का जवाब भी मिलेगा आगे। पहले समझिए सर, 3 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है, इक्विटी का मतलब होता है स्टॉक, शेयर्स, आपके पैसे को शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। डेट म्यूचुअल फंड वो होता है, ये एक तरह का बॉन्ड होता है, ये आप इसको FD की तरह मान लो, ये सेफ एंड सिक्योर आप इसको कह सकते हो, लेकिन उसमें रिटर्न उतना ही कम होता है, इसमें सिक्योरिटी आपकी ज्यादा बढ़ गई तो रिटर्न इसको कम हो गया। तीसरा होता है हाइब्रिड, इन दोनों का मिक्सचर, थोड़ा ये होगा थोड़ा ये होगा। आपको क्या लगता है, जब मैं अमीर लोगों की बात कर रहा हूं, अमीर लोग
क्या सेफ एंड सिक्योर कम रिटर्न वाले में जाते होंगे, क्या इसमें जाते होंगे या फिर इसमें जाते होंगे? शायद इक्विटी, स्टॉक, शेयर, मगर यहाँ तो रिस्क ज्यादा है, तो इसीलिए तो SBI की हम बात कर रहे हैं। SBI पिक्चर में आया क्यों? अभी बताता हूँ, डिटेल में भी आ रहा हूँ, समझो पहले। सर देखो, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड में मोटा मोटी दो तीन फर्क समझो सर। आप जब ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में जाते हो तो 3-7% का रिटर्न वहां होता है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई भी सरकारी स्कीम हो गया, FD हो गया, कोई भी LIC हो गया, कोई भी PPF हो गया, पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट हो गया, ये ट्रेडिशनल टाइप जो ज्यादातर लोगों को पता होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड जैसे या स्टॉक मार्केट जैसे जगह पर अगर आप जाते हो तो 9% से लेकर 50% तक का एनुअल रिटर्न ले सकते हो। 50 भी कम है सर, 100-200 भी होता है, लेकिन हम उतना नहीं लिखते हैं, जितना डाइजेस्ट हो जाए उतना लिखा हमने, ठीक है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में फिक्स रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको बोल दिया गया 7% मिलेगा तो 7 मिलेगा, वो 6.5-7.5 नहीं हो सकता है। ये होता है फ्लेक्सिबल रिटर्न, जहां कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। अब हमें उसमें जांच परख करने की जरूरत होती है कि मेरा पैसा कम ना हो ज्यादा ही हो, तो वो अभी बताने वाला हूं। गारंटीड रिटर्न कहते हैं इसमें। सर गारंटीड रिटर्न तो कुछ होता ही नहीं है, जैसे इसमें रिस्क के नाम पे मैंने लिखा है कंडीशनल। एक बात बताओ, बैंक में अगर पैसा रखते हो गारंटीड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, FD कर दिया तो पैसा सेफ है, रिस्क है ही नहीं उसमें। दुनिया भर के लोग तो यही जानते हैं ना, सर 5 लाख तक पैसा सेफ है और वो भी RBI की गारंटी है। इसलिए आप जिस बैंक में पैसा आपने 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए की FD कर रखी है, बैंक में रख रखा है, सर कितने ऐसे पीछे कांड हुए हैं, बैंक ही बैंकरप्ट हो गया, बैंक ही निकल गया, आपका उसमें से सर 5 ही लाख तक मिलेगा, वो भी RBI देगी, उसमें भी थोड़ा चक्कर पुक्कर लगाना पड़ेगा, बाकी पैसा गया, बाकी पैसे का कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। तो आज के बाद मत कहना कि FD सेफ है, बैंक में पैसा रख सकना सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है सर। सेफ्टी कहीं भी नहीं है, गारंटीड रिटर्न दुनिया में कहीं भी नहीं है, पूरी दुनिया में भी, ठीक है। तो सच्चा तो फिर ये एरिया है ना, नॉन गारंटीड, इसमें पहले बोल के देते हैं कि कोई गारंटी नहीं है भैया, रिस्क है, बाकी अपनी एनालिसिस करो, रिस्क कम से कम करना है, रिटर्न ज्यादा करना है तो अपनी एनालिसिस बेटर करो। वो कैसे करते हैं, इसीलिए तो हम आ रहे हैं, इसीलिए बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मोटा मोटी समझ में आ रहा है ना सर। आगे अब SBI के जिस फंड की हम बात कर रहे हैं, 3 फंड की बात कर रहा हूं मैं, उसमें सबसे पहला है कॉन्ट्रा फंड। क्या होता है कॉन्ट्रा फंड पहले समझा देता हूं। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांड के कॉन्ट्रा फंड आते हैं। SBI के कॉन्ट्रा फंड, पहले कॉन्ट्रा फंड क्या होता है वो समझा देता हूं। सर कॉन्ट्रा फंड होता है एक ऐसा फंड जो कि फंड मैनेजर्स अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स, जैसे शेयर मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें कुछ दिक्कत चल रही है, कंपनी अच्छी है, स्टॉक अच्छा है, शेयर अच्छा है, लेकिन अभी किसी वजह से अंडर परफॉर्म चल रहा है, अभी किसी वजह से कम परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं ये ऐसे स्टॉक्स को चुनते हैं जो कि अभी भैया स्टॉक अच्छा है लेकिन उसके बुरे दिन चल रहे हैं। अगर स्टॉक अच्छा है तो एक ना दिन अच्छा समय आएगा ना, ऐसे एक गुच्छा बनाते हैं, ऐसा एक ग्रुप बनाया जाता है इन फंड्स को लेके। सर अंडर परफॉर्मिंग है किसी भी रीजन से, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आउट परफॉर्म करेंगे, जब उनका वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा, तो रिटर्न बड़ा बनने का पॉसिबिलिटी होता है कॉन्ट्रा फंड में। अच्छा, लॉस रिस्क कंपैरेटिवली इसमें कम होता है क्योंकि ऑलरेडी वो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है तो ऑलरेडी वो नीचे लेवल पे होता है, तो मार्केट जब गिरेगा भी तो उसके गिरने का ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए कंपैरेटिवली कॉन्ट्रा फंड थोड़ा सेफ होता है, गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। सर ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा है, कम प्राइस पर है, वो जब आउट परफॉर्म करेगा तो आपको बड़ा रिटर्न निकाल के देगा, उसमें समय लगता है, इसीलिए ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा है, 4-5 साल 8 साल के लिए नहीं, मैं कहूंगा कम से कम 15 साल एंड अबव, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रा फंड होता है। अब SBI के कॉन्ट्रा फंड में क्या फायदा है भैया, पिछले 3 साल का जब रिटर्न मैंने देखा, अब ये सब करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली फोन पर एंजल वन पर करके दिखाऊंगा, 32.58% एनुअली इसने दिया है पिछले 3 साल में, हर साल पिछले 3 साल का जब डेटा देखा गया तो हर साल इसने 32% से ज्यादा रिटर्न दिया है सर, 32 हलवा है क्या, हलवा तो नहीं है लेकिन दिया है, 27 से ज्यादा दिया है सर पिछले 5 साल का जब डेटा देखा गया तो हर साल 27% एवरेज निकल के आ रहा है। सर ऑल टाइम का देखा गया जब से ये फंड बना है तो 17% से ज्यादा का रिटर्न इसने दिया है अब तक। अच्छा ये जो फंड है सर इक्विटी है, इक्विटी आपको पता है सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर पॉसिबल है तो इक्विटी में पॉसिबल है, जहां सारे अमीर लोग जाते हैं, जो भी हमने बताया इक्विटी है, अच्छी बात यह है, और साथ ही साथ ग्रोथ प्लान है, ग्रोथ प्लान और डिविडेंड वाला प्लान हमने बात करा था पिछले कुछ सेशन में। डिविडेंड वाला क्या होता है, कुछ कुछ पैसा आपको निकाल के बीच बीच में दिया जाता है जिसकी वजह से आपके पैसे का मल्टीप्लिकेशन कम हो जाता है, तो अगर आपके पैसे पर ज्यादा ग्रोथ चाहिए आपको तो ग्रोथ वाला प्लान आपको लेना चाहिए, और वो भी इक्विटी है तो और ज्यादा अच्छा है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो सर 0.65% है, मतलब बहुत कम है, जहां 1.5-2% एक्सपेंस रेशियो जाता है यहां पे सिर्फ 0.65% है, मतलब बहुत अच्छा है ये एक्सपेंस रेशियो, समझ रहे हो ना। कमीशन, ये जो फंड मैनेजर्स हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था ना, क्या लेते हैं ये आपसे थोड़ा सा पार्ट, आपसे कोई सैलरी मोटी नहीं ले रहे सर, आपके फंड का आपका जितना फंड है उसका 0.6% डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है वो, आप इसको
छोटा सा आपसे ये वाला पार्ट, वो फंड मैनेजर एज अ कमीशन मान लो, एज अ सैलरी मान लो, एज अ अपने काम करने की फीस मान लो, वो ये लेते हैं 0.65%। अच्छा है, बता रहा हूँ, कम है, बहुत कम जा रहा है। लॉक इन पीरियड कुछ भी नहीं है, कभी भी आप इसको बंद कर सकते हो। एग्जिट लोड 1% है, एक साल के बाद अगर आप विड्रॉ करते हो, छोड़ते हो, डिसकंटिन्यू करते हो इस म्यूचुअल फंड को, तो 1% है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, एक साल के पहले पहले अगर करते हो तो लगता है, एक साल के बाद करते हो तो ये भी नहीं लगता है। ये भी अच्छा है वैसे, ये भी अच्छा है। होल्डिंग अभी दिखाऊंगा स्क्रीन पर, कौन कौन सी कंपनी किस किस तरह के शेयर में इसकी होल्डिंग है वो सब दिखाऊंगा। अगला फंड है सर एसबीआई का ही, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इन दिनों आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारे देश में बहुत काम हो रहा है, रोड बन रहे हैं, मंदिर बन रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है, मतलब अभी इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है भैया, हर तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी सारी कंपनियां हैं सब अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि सबको धंधा मिल रहा है। तो एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उन जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करके आपके पैसे को बढ़ाने का काम करती है। कौन कौन सी एग्जैक्ट कंपनियां हैं, कौन कौन से सेक्टर वाली कंपनियों में पैसा जा रहा है, ये भी स्क्रीन पर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल मोटा मोटी समझा देता हूँ, 35% से ज्यादा एनुअली दिया है इसने पिछले 3 साल में, पिछला वाला 32 था, ये 35 है, उससे भी ज्यादा। अभी जो आएगा सर वो 44 है, अगला जो आएगा वो आएगा 26 से ज्यादा, पिछले 5 साल का डेटा देखा तो 16 से ज्यादा ऑल टाइम देखा जब से ये फंड बनाया गया है। तो सर ये भी इक्विटी है, ये भी ग्रोथ है। एक्सपेंस रेशियो देखो इसमें 1.5% के लगभग है, मतलब ये ज्यादा है, ये ज्यादा है एक्सपेंस रेशियो, पिछला वाला 0.6 था तो बहुत अच्छा था। अभी अगला वाला जो आएगा वो अगेन कम है, उसका अगेन एक्सपेंस रेशियो कम है, ठीक है। लॉक इन पीरियड इसमें भी नहीं है। एग्जिट लोड 0.5%, इसमें एग्जिट लोड भी आधा हो गया, लेकिन एग्जिट लोड मुझे लगता है ज्यादा देखने की जरूरत इसलिए नहीं है सर कि हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक साल के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो लंबे समय के लिए कर रहे हैं ना, 10-15-20 साल के लिए कर रहे हैं ना, और एग्जिट लोड एक साल के अंदर अंदर लगता है, तो मेरे को इससे क्या मतलब। एग्जिट लोड अगर आप सच में जेन्युइन इन्वेस्टर हो, जेन्युइनली पैसा इन्वेस्ट करने आए हो, तो एग्जिट लोड आपके किसी मतलब का नहीं है। उनको है जो ट्राई करना है, 2-3 महीना करके देख लेते हैं, 6 महीना करके देख लेते हैं, हाँ तो ठीक है एग्जिट लोड लगेगा तुमको। अपने मतलब की चीजें ये है सर, एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, जितना कम हो उतना अच्छा है। होल्डिंग अभी दिखाऊंगा किन किन कंपनियों में इसका इन्वेस्टमेंट है, सब दिखाऊंगा स्क्रीन पर। अगला है सर एसबीआई पीएसयू फंड। क्या होता है पीएसयू फंड पहले ये समझ लो, फिर एसबीआई का पीएसयू फंड कैसा है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब उन कंपनियों में पैसा लगता है जो पब्लिक सेक्टर वाली, मतलब सरकारी कंपनियां हैं ये समझ लो, ठीक है। अच्छा, सरकारी कंपनियां होने का क्या फायदा है सर, आपको पता है अब सरकारी कंपनियों का वो हाल रहा नहीं पहले वाला, अब ग्रोथ कुछ और ही है सरकारी कंपनियों का। और जहां मोदी जी दावा ठोक ठोक के कहते हैं सरकारी कंपनियों में पैसा लगा दो हमारी, ये मतलब काम चल रहा है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी कहते हैं। और अब अगला गवर्नमेंट देखो, मोदी जी आने वाले हैं तो सरकारी कंपनियों का भला ही होने वाला है मुझे लगता है, ठीक है। पीएसयू जस्ट एन ऑलमोस्ट सेक्टर, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में सब में लगभग पीएसयू है, मतलब पब्लिक सेक्टर वाली कंपनी, मतलब सरकारी कंपनियां काम कर रही हैं, उन कंपनियों में पैसा लगता है। सर रिस्क यहां कम हो जाता है क्योंकि सरकारी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की बॉडीज है, सीधा मैक्सिमम उन कंपनियों में शेयर होल्डिंग सरकार का होता है, तो इसलिए रिस्क जो होता है कंपेटिवली किसी भी सेक्टर से इसमें कम हो जाता है, सबसे कम हो जाता है, ठीक है। सेफ्टी ज्यादा हो जाती है, अगर गवर्नमेंट अच्छी है तो हाई रिटर्न होता है सर। जैसे आप अगर पिछले 3-4 साल का मैक्सिमम गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां देखोगे, एनटीपीसी देख लो, पीएनबी बैंक देख लो, या और भी कंपनियां देख लियो, अभी लिस्ट जब हम खोलेंगे ना तो लिस्ट में आपको दिखाऊंगा, सबके परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो सरकारी कंपनियां है तो भैया, अगर सरकार अच्छी है तो सरकारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेगी, सरकार अगर ऐसे ही है तो सरकारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तो आपका पैसा भी अच्छा मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो एसबीआई पीएसयू फंड, अच्छा एसबीआई पीएसयू फंड क्या परफॉर्मेंस ऐसा, 44% दिया है पिछले 3 साल में, 44% एनुअली सालाना पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है। 26 से ज्यादा दिया है पिछले 5 साल में, 13% ज्यादा दिया है ऑल टाइम। आपको पता है सर 2014 के बाद सरकारी कंपनियों में ज्यादा काम हुआ है, 2014 से भी क्या 2020 के बाद ज्यादा काम हुआ है, बहुत ज्यादा काम हुआ है, तो इसलिए ये वाला कम निकल के आया। लेकिन यही पिछले 3 साल का, पिछले 5 साल का डेटा देखो तो बहुत अच्छा रिटर्न है। तो अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो पीएसयू फंड बढ़िया हो सकता है, ये कोई रिकमेंडेशन वगैरह कुछ नहीं है, पैसा लगाने से पहले अपना देख लेना, ठीक है भैया। अच्छा, इक्विटी की ग्रोथ है, इक्विटी है भैया, इक्विटी टाइप का है, ग्रोथ प्लान है। एक्सपेंस रेशियो अगेन 0.96% है, पहले वाले से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा मुझे दिख रहा है तो शायद इसको हम इतना मैनेज कर सकते हैं ऐसा मुझे लगता है, आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे, ठीक है। लॉक इन पीरियड इसमें भी नहीं है। एग्जिट लोड भैया इसमें आधा है, जिन लोगों को चिंता है 6-7 महीने इन्वेस्टमेंट करके ट्राई करूंगा तो एग्जिट लोड उनके लिए ठीक है भैया, आधा ही है, 0.5%। होल्डिंग अभी दिखाऊंगा, ठीक है। नाउ अब जरा ध्यान से समझिए मेरी बात सर, अब पैसे की बात, कितना पे कितना हो सकता है सर। वन टाइम इन्वेस्टमेंट मैंने
एवरेज रिटर्न कंसिडर किया है 20% सालाना के हिसाब से, क्योंकि 44% है और 44% पिछले 3 साल का है, 27% पिछले 5 साल का है, तो हमने एवरेज ये मान लिया सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कि शायद अगले 20 साल 30 साल में भी ये एवरेज 20% या उससे ज्यादा रिटर्न दे, 20% के आसपास अगर दे, तो हमने 20% के हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया। सर सिर्फ 10,000 रुपए एक बार डाल करके इनमें से किसी फंड में अगर आप छोड़ देते हो 20 सालों के लिए, तो आपका 3.83 लाख बन जाता है, लगभग 4 लाख रुपए बन जाता है, सिर्फ 10,000 रुपए वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो। उसी को 30 साल के लिए छोड़ोगे तो 23 लाख रुपए लगभग बन जाता है, उसी को 40 साल के लिए छोड़ दो तो 1.47 लगभग 1.5 करोड़ बन जाता है, सिर्फ 10,000 रुपए एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो वो 1.5 करोड़ रुपए बन जाता है। अब इन्फ्लेशन अपना एडजस्ट कर लेना क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से वो सब भी देखना आता है। 25,000 रुपए के बाद सर 25,000 रुपए अगर आपके पास है एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो 20 साल में बन जाएगा वो लगभग 9.5 लाख रुपए। सर 30 साल के लिए बन जाएगा तो वो 59 लाख रुपए। 40 साल के लिए बन जाएगा वो 3.5 करोड़ रुपए, 25,000 रुपए एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो। 50,000 रुपए अगर एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो 20 साल में बन जाएगा 19 लाख रुपए। सर 30 साल में बन जाएगा वो लगभग 1.25 करोड़ रुपए। 40 साल में बन जाएगा लगभग 7.5 करोड़ रुपए, 7.5 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो। अगर 1 लाख रुपए एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो 38 लाख बन जाएगा 20 साल में। सर 30 साल में बन जाएगा ये लगभग 2.5 करोड़ रुपए और 40 साल में बन जाएगा ये 14 करोड़ रुपए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो। अच्छा, इसकी कोई गारंटी श्योरिटी नहीं है, हमने कंसीडर किया है 20% भैया, क्योंकि मार्केट आपको पता है रिस्क बेस्ड होता है, कभी पंप फट गया, कभी कुछ हो गया, कभी धमाका हो गया, सरकार गिर गई, ये हो गया, तो मार्केट भी बड़ा उतार चढ़ाव होता है, इतना आप समझते हैं इस बात को, ठीक है। हमने 20% के हिसाब से कैलकुलेट किया, अगर 20% हमारे को मिलता है एवरेज ऑन एन एवरेज तो ये रिटर्न हमारा बन सकता है। अच्छा, ये चीज मैंने कैसे कैलकुलेट कर लिया आपको ये भी दिखा देता हूँ। सर ये कुछ नहीं है, लमसम कैलकुलेटर है, आप कोई भी लमसम कैलकुलेटर गूगल में डाल लो, लमसम कैलकुलेटर, जैसे आपने यहाँ पर 50,000 रुपए को डाल दो, अभी सारी कंपनियों के लिए दिखाऊंगा फोन पर, टेंशन नहीं अभी है बाकी। मान लो 50,000 रुपए यहाँ पर हमने 40 साल डाल लिया और यहाँ पर हमने कस्टम करके 20% डाल लिया तो 20% के हिसाब से 7.5 करोड़ अपना फंड बन जाता है। सर यहाँ पर देखो फंड की ग्रोथ आपकी कैसे ऐसे होती चली जाती है, तो कोई भी लमसम कैलकुलेटर खोल करके आप ये सब डेटा देख करके ये सब चीजें खुद भी चेक कर सकते हो, परसेंटेज अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। अब बारी आई सर वो जो पीएसयू फंड या दूसरे फंड की बात कर रहा हूँ उसको जरा डिटेल में ऑन स्क्रीन देखने का, कहां से इन्वेस्ट करें ये जरा दिखा देता हूं। ओके, तो ये मैंने ले लिया अपना फोन अपने हाथ में, जरा इसको चेंज कर देता हूं, ठीक है, और फोन का मैं कर देता हूं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन। पहले मैं पेन निकाल दूंगा जरा फोन से, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन जो हो जाए भैया। कहाँ गए यस, मेरी स्क्रीन आपके सामने आ गई है और मैं अब खोल लेता हूँ एंजल वन, ठीक है। एंजल वन खुल गया भैया और हम सीधा म्यूचुअल फंड वाले सेक्टर में ही आ गए, ये देखो। और इसमें हम क्या बात कर रहे थे, SBI की, देखो टॉप पे यहाँ पे सजेशन में भी आ रहा है, यही वाला है एंजल बिन वन भी। तो सबसे पहले अपना कहा था कौन सा था, कॉन्ट्रा था ना, ये पीयूसी का, पीयूसी पीएसयू ही दिखा दूं पहले, चलो पीएसयू पहले दिखा देता हूं। देखो सर पिछले 3 साल का ग्रोथ ये दिखा रहा है 42.18 है ना। अब और आ जाओ नीचे, हम जरा सेक्टर वगैरह भी देख लेते हैं, यहां सारी डिटेल है। कितना फंड है भैया, 1800 करोड़ का फंड, इस 1800 करोड़ रुपए इस फंड के अंदर है लोगों का लगा हुआ, 11 साल से ये फंड चल रहा है, 0.5% एग्जिट लोड है, निल है, एक्सपेंस रेशियो टैक्स का यहाँ पे देख सकते हो। आओ आगे नीचे, अब मेन चीज होल्डिंग्स, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में अगर पैसा लगा है किन किन सेक्टर में लगा हुआ है भैया, पावर में लगा है, ये देखो पावर में लगा है, बैंक में लगा है, फाइनेंस में लगा है, डेट में भी लगा है, ऑयल में भी लगा है, इन सब में लगा है। अब कंपनियां भी देख लेते हैं, कंपनियां देखने के लिए आप टॉप होल्डिंग्स में आ जाओ, इस पे क्लिक किया मैंने। हाँ अब देखो सबसे ज्यादा पैसा अपने में ही डाल रखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा है 11%, ट्रेप्स में, पावर ग्रिप में, NTPC में, ONGC में, हिंदुस्तान कॉपर में है, और नीचे आ जाओ ये बेल ऑयल, मतलब सारी सरकारी कंपनियां ही है, तो सरकारी कंपनियां होने की वजह से रिस्क कम हो जाता है ना। तो ये हमने PSU का देख लिया, आप इसमें SIP भी कर सकते हो, 500 रुपए महीने से SIP शुरू हो जाता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप इसमें SIP भी कर सकते हो, वन टाइम डाल करके छोड़ भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बात करा था, इंफ्रा वाले फंड की ना, इंफ्रा वाला फंड जरा खोल लेता हूं, SBI इंफ्रा, हाँ SBI इंफ्रा फंड आ गया,
SBI इंफ्रा फंड में देखो सर, 3 साल में 34%, यही हमने बात करा था अभी, ठीक है। मेजरली इसमें कंपनियां देख लेते हैं, बाकी ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लेना, है ना। AUM कितना है, फंड कितना है, एग्जिट लोड, एज, बाकी ये सब हम सीधा देख लेते हैं। जरा सेक्टर सर, सीमेंट में जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप होगा, जहां भी काम होगा, सीमेंट में का काम होगा, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी, पेट्रोलियम, बैंक्स, डेट, टेलीकॉम, इंडस्ट्रियल, पावर, इन सब की जरूरत पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने में। अब हम कंपनियां देख लेते हैं, तो कंपनी के लिए हम टॉप होल्डिंग्स में क्लिक कर लेते हैं। सर कंपनियां देखें तो भैया ट्रैप्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, लार्सन टुब्रो, श्री, ये वो, फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें मैक्सिमम प्राइवेट वाली कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां नहीं है, क्योंकि ये PSU नहीं है। इंफ्रा में, इंफ्रा को डेवलप करने के लिए जो जो अच्छी कंपनियां हैं SBI ने वहां इन्वेस्ट कर रखा है। कर रखा मतलब आपका जब पैसा इसमें आएगा तो आपके पैसे को इन इन जगहों पर इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक। अच्छा, उसके पहले एक और क्या था, SBI कॉन्ट्रा, सबसे पहला वाला जो हमने लिया था, 3 साल 32%, है ना, ठीक है। और नीचे आ जाओ, बाकी ये सारी चीजें देख लेना, मैं सीधा कंपनी पर आ जाता हूँ, किस किस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है। सर हमने क्या बात करा था, कॉन्ट्रा का डेफिनेशन है, जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं अभी के टाइम पे उन पे, बाद में जब चेंज होगा तो, बाद में अगर अच्छा हो जाए तो वो कंपनियां बदलती रहती है, शिफ्ट करते रहते हैं, आपका पैसा इसमें है तो कल उसमें हो जाएगा, कल उसमें चला जाएगा, वैसा वो फंड मैनेजर है ना, वो एक्सपर्ट है, वो अपने हिसाब से मैनेज करते रहते हैं आपके पैसे को, इसी बात का तो पैसा मिलता है उनको, ठीक है। किन किन सेक्टर में जाएगा सर, बैंक, डेट, टी, इन सब सेक्टर में जाता है, बाकी मैं सीधा कंपनियों पर आता हूँ। ट्रेप्स, स्टेट बैंक, SDFC, गेल, ये और भी देखो, आप चाहो तो इन कंपनियों का अभी करंट परफॉर्मेंस देख भी सकते हो, मतलब ये हो सकता है कि ये अभी अंडर परफॉर्मिंग है, कंपनियां अच्छी हैं लेकिन अभी किसी वजह से परफॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रही हैं, इसलिए SBI ने इसमें चुन रखा है, ठीक है। तो इन तीनों फंड में अच्छी बात ये है कि आप 500 रुपया महीना से SIP भी शुरू कर सकते हो और वन टाइम भी कर सकते हो। वन टाइम के लिए यहाँ पर वन टाइम वाला ऑप्शन चलो और इन्वेस्ट ना करो, जितने साल के लिए करना है अपना कर सकते हो, ठीक है। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पहले ऑफ कर देता हूँ। ओके, सो अब थोड़ा सा मोटे मोटी अपनी तरफ से ज्ञानबाजी कर देता हूँ। मुझे लगता है आज के सेशन में आपने कुछ नई चीजें सीखी होंगी, जैसे कॉन्ट्रा फंड क्या होता है, PSU क्या होता है। म्यूचुअल फंड पर तो हमने बहुत सारे पहले सेशन करे हुए हैं, आप अगर नए पहली बार आ रहे हो तो पुराने सेशन देखना, हमने वैरायटी ऑफ म्यूचुअल फंड पर सेशन किए हुए हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। आज SBI के बारे में बात करनी थी तो आज हम SBI स्पेसिफिक हमने बात करा।